तो देखो भाई, अपने को सीखना था फुटबॉल जगली, तो बात ऐसी है कि भाई की पहचान है बहुत ऊंची। अबे नहीं, मतलब समझ रहे हो, बहुत ऊंची। फिर मैं अपने भाई कृष्णा रोनाल्डो को मैसेज किया, और भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ। अरे हाँ भाई, मेरे को एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोल। वो क्या है ना, मुझे अभी जगलिंग सीखना था, तो कुछ टिप्स मिलेगी? भाई साहब इतनी तगड़ी और इजी टिप्स बताइए कि मैं सिर्फ 5 दिन में जीरो से परफेक्ट जगलिंग करने लग गया। लेकिन ऐसी क्या टिप्स बता दी भाई, हमें भी तो पता चले। देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टिप है नेसेसरी आइटम्स। कहने का मतलब है कि एक फुटबॉल जिसमें परफेक्ट एयर हो, न कम न ज्यादा, जिसमें फुटबॉल काफी अच्छे से बाउंस होगी, और फिटिंग स्पोर्ट्स शूज भी जरूरी है। अब इसके बाद मेन प्रोसीजर आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करें। बेसिकली फुट में 3 पॉइंट्स होते हैं जहाँ से फुटबॉल को बाउंस किया जाता है, तो हमको हमेशा सेंटर वाले पॉइंट से ही बाउंस करना होगा। अब इसको स्टार्ट करने के भी 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला रोल करके जगल करना, दूसरा बाउंस करने के बाद जगल करना, और तीसरा स्पिन करते हुए डायरेक्ट। इनमें से आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दिया। शुरू शुरू में मैं बॉल को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी लगातार ट्राई करता गया, पर कभी बॉल इधर चली जाती थी तो कभी उधर। फिर भी मैं लगातार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, ये सोचकर कि टिप्स के अनुसार मैं काफी जल्दी ट्रिक को सीख जाऊंगा। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इरिटेट होने लग गया था। फिर मैंने सोचा कि जिनको फुटबॉल जगलिंग आती है उनको भी तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती होगी, और यही सोचकर मैंने फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। देखो, फुटबॉल जगलिंग सीखना कोई मामूली बात नहीं है। जब भी मैं कोई भी ट्यूटोरियल देखता था उसमें सेम बात बोली जाती थी कि ये सिर्फ पेशेंस का गेम है। अब मैं लगातार 1 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद थक चुका हूँ, और थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैं फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। शुरू शुरू में तो मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जैसे जैसे मैं लगातार प्रैक्टिस करता गया मुझे ये चीज बोरिंग लगने लगी। अब मैं सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद ही ये रियलाइज करने लग गया कि मैं अपने राइट वाले लेग से फुटबॉल को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा राइट वाला लेग डोमिनेंट लेग है, तो इससे मुझे फायदा भी हुआ। अब प्रैक्टिस करते करते कब शाम हो गई मेरे को तो पता ही नहीं चला। अब मैं अगले दिन फिर से नई एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा हूं, और मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं फुटबॉल को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लूंगा। तो फिर मैं 3rd टिप के हिसाब से 3 बार राइट लेग से और 1 बार लेफ्ट लेग से जगल करने लगा, अब शुरू शुरू में 3:1 वाले ट्रिक को करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, और मेरे ट्राइपॉड के पैर में मोच आ गई। और यार सच में मेरे को 3:1 वाली टेक्निक से बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही थी, और मैं फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते गया और करते ही गया। अब सबसे ज्यादा मुझे जीन्स की वजह से दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैं प्रैक्टिस करते गया। जीन्स पहनने की भी कुछ वजह थी, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अब 4th वाली टिप के हिसाब से हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं हमें कुछ इस तरीके से झुक करके प्रैक्टिस करना होगा। अब झुक करके प्रैक्टिस करने में मेरी आदत नहीं थी, इसलिए शुरू शुरू में मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हुई, पर प्रैक्टिस के साथ मैं इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। अब क्योंकि प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा थकावट हो जाती थी, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लेता। अब मैं जब प्रैक्टिस करता था भाई, प्रैक्टिस करते करते मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। तो इसका एक ही मात्र इलाज है कि आप कोई म्यूज़िक सुनते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ, इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा इरिटेशन नहीं हो रही थी, पर आप म्यूजिक सुनकर डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, ये एक्चुअली में हेल्प करता है। अब भाई लगभग आधे घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद मैं 3:1 वाली टेक्निक की मदद से बहुत ही ज्यादा आसानी से कर पा रहा हूँ। अब बस मेरे को जगल मतलब नंबर ऑफ बाउंसेस को बढ़ाने की कोशिश करना, इसके लिए अपने को कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना होगा, मतलब 2 दिन प्रैक्टिस और 3रे दिन गायब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को डेली प्रैक्टिस करना होगा, तभी हम लोग नंबर ऑफ बाउंसेस को
इंक्रीज कर सकते। अब प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं चार जगह से ज्यादा कर ही नहीं पा रहा। मैंने सोचा फुटबॉल जगलिंग तो काफी जल्दी सीख जाएंगे, एक ही तो ट्रिक है, लेकिन अब पता चल रहा भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करना भाई, ये चीज बोलने में जितनी आसान है उतनी करने में नहीं, क्योंकि जब लगातार हम प्रैक्टिस करते रहते हैं हमको काफी ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी ये होता नहीं है, फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। पर हाँ भाई, मैं अपने आप में एक चीज मानूंगा, मैं डेली रेगुलरली 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते जाता था भाई। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मेरी हालत खराब हो चुकी है और मेरी पैर की भी बैंड बच चुकी है, पर मैं फिर से अगले दिन उसी एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता था। और लगभग 4th डे के एंड होते तक मैं आराम से 7 से 8 जगल इजीली कर पा रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे काफी ज्यादा इंप्रूव करने लग गया था, और जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाता था वैसे वैसे नंबर ऑफ बाउंसेस इंक्रीज होते जाते थे, मजा ही आ जाता। अब फाइनली मेरा ये चैलेंज होगा कि मैं लगातार 30 सेकंड तक बिना रुके फुटबॉल को जगल करता रहूं। अब मैं इसी 30 सेकंड वाले चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूं, और मैं इस वाले चैलेंज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ जगल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आज है 5th डे, और क्योंकि मैं इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते जा रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि हम इसको काफी ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर देंगे। अब मैं 30 सेकंड वाले चैलेंज तो बिना सोचे समझे ले लिया था, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड वाले चैलेंज को कंप्लीट करने में मेरे को 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। पर इतनी सारी प्रैक्टिस करने का मेरा कोई भी मतलब नहीं निकलता अगर मैं ये 30 सेकंड वाला चैलेंज कंप्लीट ना कर पाता तो। और 30 सेकंड वाले चैलेंज को कंप्लीट करने में पसीने छूट गए सही में। और हाँ, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वाली वीडियो कौन सी स्किल पे बनाऊं, और हाँ लाइक करके तो जाया करो। ओके बाय।